Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4, basic geometrical ideas. So continue karte hain from question number 5. Question number 5 is mark point x, y, z and w such that no three of them are collinear. Draw line segment by joining all the possible pairs of points. Ab dekho isme hame kya karna hai, sabse pehle hame ye 4 points banane hain. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स बनाने हैं ऐसे कि ये कोलिनियर ना हो, यानी कि एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो पहले तो मैं बना लेती हूँ, यहाँ बना लेती हूँ x. ठीक है, यहाँ बना लेती हूँ y, यहाँ बना लेती हूँ z और यहाँ बना लेती हूँ w. ठीक है, तो मैंने ये 4 पॉइंट्स बना लिए. अब बोला है कि इन लाइन सेगमेंट्स इनको इन पॉइंट्स को जॉइन कर दो. ठीक है, तो अब इनको हम जॉइन कर देंगे. तो इनको जॉइन कर देते हैं, इसको यहाँ ऐसे जॉइन कर देंगे एक्स वाई देन वाई जेड एंड देन जेड डब्ल्यू. ठीक है, इसको इस तरीके से जॉइन कर देंगे. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा जेड ही फॉर्म करें. ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ ले लो एक्स वाई जेड W. अब इसको जॉइन कर दो. ठीक है, ऐसे बस इस तरीके से बनाना है कि ये कोलिनियर ना हो. ठीक है, तो आप ये दोनों में से कोई भी बना सकते हैं. देन नंबर 6. नंबर 6 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर, मार्क पॉइंट ए बी एंड सी ऑन द लाइन सेगमेंट. अब हमें क्या करना है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उसके लिए आपको आपकी स्केल चाहिए होगी. ठीक है, तो ये हमने स्केल निकाल ली और एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्केल ले लें. अब देखो ये है 6 और यहाँ पे होता है 6.5, 6.6, 6.7. ठीक है, तो यहाँ तक आपको लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट बनाना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट 6.7 सेंटीमीटर का आपका लाइन सेगमेंट हो गया. ठीक है, अब इसको आपको मार्क कर देना है पॉइंट ए. तो यहाँ हम ले लेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी आप रैंडमली कहीं पे भी डाल सकते हो, यहाँ यहाँ कहीं पे भी डाल सकते हो और यहाँ हम डाल देंगे पॉइंट सी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ अ रे एम एन एंड मार्क पॉइंट एक्स वाई ऑन द रे. हमें पहले क्या करना है कि रे एक रे बनानी है एम एन और उसके ऊपर हमें पॉइंट्स लगा देना है एक्स वाई. देन मार्क पॉइंट पी एन क्यू आउटसाइड द रे एम एन. अब पी और क्यू पॉइंट लगाने हैं लेकिन वो एम एन के ऊपर नहीं होने चाहिए, एम एन के बाहर होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक रे बनाएंगे एम एन. ठीक है, जिसका मेजरमेंट अननोन होगा, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं. ठीक है, ये हो गई हमारी रे एम एन. ठीक है, ये हमने बना ली रे एम एन. अब क्या बोला था कि एक्स वाई हमें बनाने हैं, मार्क पॉइंट एक्स वाई ऑन द रे. तो पॉइंट लगा दो एक्स और वाई ऑन द रे, ऑन द रे हमने लगा दिए. देन मार्क पॉइंट पी एन क्यू आउटसाइड द रे. अब पी और क्यू पॉइंट बनाने लेकिन वो एम एन के ऊपर नहीं होने चाहिए, कहीं बाहर. तो यहाँ भी आप बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ कहीं पे भी बना सकते हो. तो यहाँ बना देते हैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 8. ड्रॉ अ फिगर शोइंग अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय यूजिंग 4 मैटस्टिक्स. यानी कि 4 मैटस्टिक्स को यूज़ करके जो पॉलीगॉन बनेगा उसका हमें यहाँ पे फिगर बनाना है. तो पहले तो हम क्या करते हैं, मैटस्टिक्स ले आते हैं. तो ये मैटस्टिक्स हमने थोड़ी सी निकाल ली है. ठीक है, अब हमें क्या बोला था कि हमें यहाँ पे 4 मैटस्टिक्स लेनी है. तो हम यहाँ 4 मैटस्टिक्स ले लेते हैं और 4 मैटस्टिक्स को यूज़ करके क्या पॉलीगॉन बनेगा. ठीक है, एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे. देखो क्या बन रहा है, 4 मैटस्टिक्स को यूज़ करके, क्योंकि ये सारे मैटस्टिक्स की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी. ठीक है, तो 4 साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, एक स्क्वायर बन के आएगा. ठीक है, तो ड्रॉ द फिगर शोइंग अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय यूजिंग 4 मैटस्टिक्स. तो 4 मैटस्टिक्स को यूज़ करके हमें एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का या फिर 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना देंगे. ठीक है, देन हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स ले लेंगे. देन यहाँ से 3 सेंटीमीटर्स ले लेते हैं.
और ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर कनेक्ट हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। इसको नेम दे देंगे ए बी सी टी। ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी यहीं रख देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको ग्लू कर देना। ठीक है, इस तरीके से। देन नंबर नाइन इज ड्रॉ अ फिगर शोइंग अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय यूजिंग 6 मैचस्टिक्स। अब हमें 6 मैचस्टिक्स को यूज़ करके एक पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, तो 6 मैचस्टिक्स यानी कि 6 साइड्स, और 6 साइड्स वाला पॉलीगॉन क्या होता है? हेक्सागन होता है। ठीक है, तो यहाँ 6 मैचस्टिक को यूज़ करके हम एक पॉलीगॉन बनाएंगे। ठीक है, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ पॉलीगॉन दिखेगा। ये हो गई 2, 3 देन 4, ओके ये हो गई 5th मैचस्टिक, ओके और यहाँ आ जाएगी 6th वन, इस तरीके से। ओके तो ये बन गया हमारा हेक्सागन, यानी कि यहाँ पे हमें बनाना है एक हेक्सागन। ठीक है, तो पेंसिल और स्केल उठाएंगे हम और यहाँ पे एक हेक्सागन बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और आगे इसको हम इस तरीके से जॉइन कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 6-साइडेड पॉलीगॉन हेक्सागन। इसको नेम कर देंगे ए बी सी डी ई एफ। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इज ड्रॉ एंगल एक्स वाई जेड, मार्क पॉइंट पी एंड क्यू ऑन इट। अब क्या करेंगे, हम इसको पार्टली डिवाइड कर लेंगे और जैसे जैसे ये बोलते जाते हैं हम वैसा वैसा करते जाते हैं। तो सबसे पहले बोला है एक एंगल बनाओ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एंगल बना लेंगे एक्स वाई जेड इस तरीके से। ठीक है, एक एंगल बना लो अननोन मेजर का। ठीक है, ये इसकी मैंने 2 आर्म्स बना ली। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ठीक है, बन गया हमारा एंगल एक्स वाई जेड। फिर बोला है मार्क पॉइंट पी एंड क्यू ऑन इट, यानी कि इसी के ऊपर 2 पॉइंट बना दो पी और क्यू। तो पी मैंने यहाँ बना दिया और क्यू मैंने यहाँ बना दिया। कहीं पे भी आप रैंडमली बना सकते हैं, क्योंकि बोला नहीं है कहाँ बनाना है, बस बोला है कि एंगल के ऊपर बनाना है, तो एंगल के ऊपर कहीं पर भी बना दो। देन मार्क पॉइंट डी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड जो एंगल है उसके इंटीरियर पार्ट में हमें पॉइंट डी बनाना है, तो ये इंटीरियर पार्ट है तो यहाँ पे हम बना देंगे पॉइंट डी। देन बोला है मार्क पॉइंट ई इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड एंगल जो है उसके एक्सटीरियर पार्ट में ई बनाओ। एक्सटीरियर पार्ट कौन सा हुआ, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया, तो यहाँ पे बना दो ई। ठीक है, कहीं पे भी बना सकते हो आप, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो। ठीक है, तो ये बना दिया हमने क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नेम ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड इन द एडजॉइनिंग फिगर। यानी कि ये फिगर के अंदर आपको जो भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए ओ बी एक एंगल दिख रहा है, तो एंगल ए ओ बी। देन एंगल ए ओ सी दिख रहा है, तो एंगल ए ओ सी। देन एंगल ए ओ डी दिखाई दे रहा है, तो एंगल ए ओ डी। देन बी से शुरुआत करेंगे, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। देन एंगल बी ओ डी, फिर बना देंगे एंगल बी ओ डी। देन हमने बी से सारे एंगल ले लिए, अब सी से ले लेंगे सी ओ डी। तो यहाँ हो जाएगा एंगल सी ओ डी। ओके, सो यहाँ हमने सारे एंगल्स लिख दिए। अब देखते हैं नंबर ट्वेल्व हमें बोला है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कि एक सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाने के उसके लिए आपको चाहिए होगा कंपास। ठीक है, कंपास लेना है आपको अपना, उसके बाद लेनी है आपकी स्केल। सिंस बोला है 3 सेंटीमीटर रेडियस होना चाहिए, तो हम मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो आपका अगर कंपास इस तरीके से रैंडमली खुला हो तो कैसे आप करोगे, यहाँ पे 3 पे पॉइंट को रखो एंड देन पेंसिल को एडजस्ट करो 0 तक। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करना है और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 3 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद आपको सर्कल बना लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आपने यहाँ रखा और इस तरीके से
ठीक है, सर्कल बना देना है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का सर्कल, ओके। और ये है सेंटर पॉइंट, ओके। 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। आप देखो आगे क्या बोला है, ड्रॉ अ कॉर्ड, अ रेडियस, अ डायमीटर, अ सेगमेंट एंड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो यहाँ हम सेंटर ले लेते हैं ओ, ठीक है। यहाँ मेंशन भी कर दो कि हमने सेंटर क्या बनाया है, ओ। फिर बोला है कॉर्ड, तो कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। रैंडमली हम कॉर्ड कहीं पे भी बना सकते हैं, तो ये हमने बना दिया कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्ड ए बी। देन बोला है रेडियस बनाओ, ठीक है, तो हम रेडियस बना देते हैं ओ से लेके बाहर तक एक पॉइंट ले लेते हैं सी, ठीक है। तो ओ सी हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट का मार्क लगा दो, फिर ले लो रेडियस, रेडियस है हमारा ओ सी। देन बोला है डायामीटर, ठीक है, तो डायामीटर बना देते हैं। डायामीटर के लिए हम स्ट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डायामीटर जो सेंटर से पास हो रहा है। सी हो गया डी ई, ठीक है, तो डी ई क्या हो जाता है हमारा डायामीटर। देन बोला है सेगमेंट बनाओ, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है, तो जो ये कॉर्ड बनाया होता है और आर्क को इंक्लूड करके ये जो शेडेड पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेगमेंट ले लेंगे, सेगमेंट ले लेंगे ए बी, और मेंशन कर देंगे शेडेड पोर्शन, ओके। देन बोला है एक सेक्टर भी बनाना है हमको, सेक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर में क्या होता है कि दो एक पैर होती है रेडियाई की, यानी दो रेडियस होते हैं और एक आर्क होता है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। और ये जो शेडेड पार्ट होता है इसको बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेक्टर मेंशन कर देते हैं, सेक्टर है हमारा ओ ई एफ, और यहाँ लिख देंगे शेडेड पोर्शन, ओके। ये हो गया हमारा सेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ड्रॉ 4 लाइन्स L1, L2, L3 एंड L4 पासिंग थ्रू अ पॉइंट P, यानी कि ये चारों लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि ये एक सिंगल पॉइंट P से पास हो रही है। तो पहले तो हम बना लेंगे पॉइंट P, ठीक है। अब इसी पॉइंट से पास करते हैं लाइन L1, ओके। ये हो गई लाइन L1, यहाँ से ही पास होगी लाइन L2, तो ये हो गई लाइन L2, यहाँ से ही इसी पॉइंट से पास करनी है हमें लाइन L3, तो ये हो गई लाइन L3, और यहाँ से ही पास करेगी लाइन L4, ये हो गई लाइन L4, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो फिगर दी गई है उसे ऑब्जर्व करना है और फिर हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखो फिगर में हमें क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है एफ ओ एक्स, इसके ऑन द ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल के ऊपर भी दो पॉइंट है सी और बी, इंटीरियर में है दो पॉइंट्स ए एम और एक्सटीरियर में है एन डी, ठीक है, पॉइंट एन एंड पॉइंट डी। अब इसी को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हमें दिया है राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल इन 3 डिफरेंट वेज, यानी कि ये ट्राइंगल जो हमें दिया है एफ ओ एक्स, इसको 3 डिफरेंट वेज में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखो सबसे पहले तो एफ ओ एक्स लिख सकते हैं, तो एक ट्राइंगल हो गया एफ ओ एक्स। देन ट्राइंगल ओ एक्स एफ लिख सकते हैं, ट्राइंगल ओ ओ एक्स, यहाँ पे एक्स ले लो एक्स एफ, देन एक्स एफ ओ ले लो एंड ट्राइंगल एक्स एफ ओ, ठीक है। तो ये 3 वेज हो गए आपके। देन नंबर 2, हाउ मेनी वर्टाइसेस डज द ट्राइंगल हैव, नेम देम। तो ट्राइंगल की कितनी वर्टाइसेस होती हैं और उनको हमें नाम भी देना है। तो ट्राइंगल की कितनी वर्टाइसेस होती हैं, अ ट्राइंगल हैज हाउ मेनी वर्टाइसेस, यानी कि कॉर्नर्स, 1, 2, 3, तो 3 वर्टाइसेस। देन नेम देम, कौन सी वर्टाइसेस हैं उनको हमें नेम करना है, ओके। सो सबसे पहला वर्टाइसेस है एफ, वर्टेक्स है एफ, देन ओ एंड एक्स, सो एफ
ओ एंड एक्स. ओके, देन नंबर थ्री, नेम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. अब ये जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स का साइड्स बतानी है कौन सी है. तो सबसे पहली साइड है एफ ओ. ओके, तो यहाँ लिख देंगे लाइन सेगमेंट एफ ओ, देन लाइन सेगमेंट ओ एक्स एंड लाइन सेगमेंट एक्स एफ. ठीक है, सो दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सो एफ ओ, ओ एक्स एंड एक्स एफ आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके, देन नंबर फोर. नंबर फोर में हमें बोला है विच पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स है. तो ए और एम. तो यहाँ लिख देंगे ए एंड एम आर इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. देन नेक्स्ट हमें पूछा है विच पॉइंट्स आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में कौन से पॉइंट है. तो एन और डी. ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम एन एंड डी आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. देन नंबर सिक्स, विच पॉइंट्स आर ऑन द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं. तो ट्राइंगल के ऊपर देखो, एक तो एफ ओ एक्स और एक है सी और एक है बी. तो ये फाइव पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइंगल के ऊपर हैं. ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ ओ एक्स सी एंड बी पॉइंट्स आर ऑन द ट्राइंगल. देन नंबर सेवन, विच साइड इज ऑपोजिट टू वर्टेक्स एफ, यानी कि वर्टेक्स एफ जो है, कॉर्नर एफ जो है, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है. तो देखो वर्टेक्स एफ कहाँ पे है, यहाँ. इसके ऑपोजिट यानी एग्जैक्ट सामने कौन सी आपको साइड दिखाई दे रही है, ओ एक्स. सो आंसर इज ओ एक्स इज द साइड. ओके, यहाँ लिखेंगे ओ एक्स, लाइन सेगमेंट ओ एक्स इज द ऑपोजिट साइड टू वर्टेक्स एफ. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें भी हमें क्या करना है, फिगर को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो यहाँ पे हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सो द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी डी. ओके, तो यहाँ लिख दें हम, लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी. ओके, नंबर टू, राइट द नेम ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल की साइड्स मेंशन करनी है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट साइड हो जाती है ए बी. ओके, सो लाइन सेगमेंट ए बी, देन बी सी, देन सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लास्ट साइड हो जाती है डी ए. सो लाइन सेगमेंट डी ए. ओके, ये हो गई सारी साइड्स. देन नंबर थ्री, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी राइट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल विथ एंगल बी एज वन ऑफ दोज एंगल. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एंगल बी के दो एडजेसेंट एंगल हमें लिखने हैं. तो एंगल बी हो गया ये एडजेसेंट, यानी कि अगल बगल वाले. ठीक है, तो बी के एडजेसेंट में कौन कौन है. बी के एडजेसेंट में है एंगल सी और एक है ए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें टू पेयर्स लिखनी है. तो फर्स्ट पेयर हो जाती है एंगल बी. ओके, एंड एंगल ए. ये हो गई एडजेसेंट पेयर्स. और सेकेंड पेयर हो गई एंगल बी और एंगल सी. एंगल बी, एंगल सी. नाउ नेक्स्ट नंबर फोर. नाउ सी, इन सभी आंसर्स को, इन सभी क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है बेस्ड ऑन द डायग्राम. ठीक है, तो डायग्राम मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसी तरीके का हमें फिगर दिया हुआ है. ठीक है, अब हम आंसर करेंगे. सो नंबर फोर हमें दिया है विच एंगल इज ऑपोजिट
टू एंगल बी। नाउ हमें बताना है कि एंगल बी के कौन सा एंगल अपोजिट है, तो ये हो गया एंगल बी। ठीक है, अब सी और ए तो क्या है, एडजेसेंट, तो इसके अपोजिट में यानी एग्जैक्ट सामने क्या है, एंगल डी। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा एंगल डी। ओके, यहाँ लिखेंगे एंगल डी इज़ द अपोजिट टू एंगल बी। ओके, यहाँ हमने लिख दिया डी। देन हमें बोला है नंबर 5, नेम द साइड्स एडजेसेंट टू साइड ए बी, यानी कि ए बी जो साइड है उसकी एडजेसेंट साइड हमें लिखनी है। ये हो गया ए बी, तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई, इसकी एडजेसेंट साइड हुई, देखो एक तो एडजेसेंट साइड हो गई बी सी और एक एडजेसेंट साइड हो गई ए डी। ठीक है, तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी की। सो एक हो गया साइड ए बी, सॉरी साइड ए डी, एंड सेकेंड हो गई बी सी। सो दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स टू साइड ए बी। देन नंबर 6, विच साइड इज ऑपोजिट टू डी सी। अब हमें बोला है डी सी की ऑपोजिट साइड क्या है, तो ये हो गया डी सी, तो इसका ऑपोजिट साइड यानी एग्जैक्ट सामने क्या है, ए बी। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए बी। देन नंबर 7 हमें बोला है हाउ मेनी डायगोनल्स डज द क्वाड्रिलेटरल हैव, क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं, तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये, ए सी और बी डी। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स डज डायगोनल्स डज द क्वाड्रिलेटरल हैव, यहाँ लिखेंगे हम द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हैव टू डायगोनल्स। ठीक है, अब बोला है नेम देम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दैट इज करके, कौन से दो डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं, एक तो ए सी और एक बी डी। तो यहाँ लिख देंगे हम लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट बी डी। ओके, ये दो डायगोनल्स हो गए। देन नंबर 8 हमें बोला है कैन वी कॉल द क्वाड्रिलेटरल एज अ पॉलीगॉन ऑफ फोर साइड्स, गिव रीजन। क्या हम क्वाड्रिलेटरल को फोर साइडेड पॉलीगॉन बोल सकते हैं, तो अगर बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं, वो हमें रीज़न देना। तो यस, हम बोल सकते हैं ये फोर साइडेड पॉलीगॉन को ही क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथ ही साथ इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसीलिए फोर साइडेड पॉलीगॉन है और फोर साइडेड पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस बिकॉज इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ओपन फिगर नहीं है, क्लोज्ड फिगर है और सिंपल है क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इसी वजह से इसको हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें दी है एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटी नंबर 1 है ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड नेम इट्स वर्टाइसेस। तो पहले एक ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाना है इस तरीके से और उसकी वर्टाइसेस को नेम करना है। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं, पी क्यू आर लगा सकते हो, एम एन ओ लगा सकते हो या ए बी सी भी लगा सकते हो, तो हम ए बी सी लगा देते हैं। ठीक है, तो वर्टाइसेस को नेम कर दिया ए बी सी। राइट द नेम्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमको साइड्स मेंशन करनी है, तो यहाँ हम साइड्स मेंशन कर देते हैं। तो साइड है, एक तो हो गई ए बी, ओके, सेकेंड साइड हो गई बी सी और थर्ड साइड हो गई ए सी। ओके, देन हमें मेंशन करने हैं एंगल्स। ठीक है, एंगल्स मेंशन कर देते हैं। सबसे पहला तो है एंगल ए, तो इसको लिख लो सी ए बी। ओके, फर्स्ट हो गया एंगल सी ए बी। सेकेंड लिख लो बी, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, जिस एंगल की बात हो रही होती है वो सेंटर में आता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब है एंगल सी, तो यहाँ पे हम ले लेंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए हो गया, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अब देखते हैं नंबर 2। नाउ इन द नंबर 2 ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल एंड नेम इट्स वर्टाइसेस। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल, ओके, जिसकी 4 साइड्स हैं। अब इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस।
ओके सो हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया, उसकी वर्टाइसिस को नेम भी दे दिया. राइट द नेम्स ऑफ इट साइड्स एंड एंगल्स. ठीक है, साइड्स लिखने हैं, एंगल्स लिखने हैं. तो साइड्स कौन सी हैं, देखो फोर साइड्स होती हैं. तो सबसे पहली साइड है पी क्यू, ओके. सेकेंड है क्यू आर, देन थर्ड साइड है आर एस, ओके आर एस, एंड फोर्थ साइड है पी एस या एस पी. ओके ये फोर साइड्स हो गई. अब हमें एंगल्स लिखना है. ठीक है, तो एंगल्स यहाँ लिख देते हैं. सो पहला तो है एंगल पी, तो क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस. सेकेंड एंगल क्यू है, ठीक है, तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर. थर्ड एंगल है आर, तो क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस. देन फोर्थ है एंगल एस, तो आर एस पी, एंगल आर एस पी. ठीक है, ये हमने फोर एंगल्स फोर साइड्स मेंशन कर दी. देन बोला है ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी कि ये क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स ड्रॉ कर दो. तो क्वाड्रिलेटर के टू डायगोनल्स होते हैं. ठीक है, एक तो हो गया पी आर और एक हो गया क्यू एस. ठीक है, इसको आपको इस पॉइंट से बाहर नहीं जाने देना है. जैसे ये बाहर चला गया, इसको हम इरेज कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से बाहर नहीं जाने देना है. ठीक है, सो डायगोनल्स भी ड्रॉ हो गए. नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले हमें एक 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है. ठीक है, तो पहले तो हम अपना रूलर ले लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर. ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे. ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर हो गया, अब सर्कल बना लेते हैं. इस तरीके से सर्कल बना लेना है. ओके, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर. ओके, नेक्स्ट बोला है लेट एम बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर क्या है, M है, तो इसको हम बना देंगे M. देन टेक अ पॉइंट T ऑन द सर्कल, यानी कि अब एक पॉइंट T हमें लेना है ऑन द सर्कल, तो ये हमने ले लिया पॉइंट T. ड्रॉ अ डायमीटर एंड एनी अदर कॉर्ड थ्रू T, यानी कि ये एक पॉइंट हो गया T. अब यहाँ T से हमें एक डायमीटर बनाना है और एक कॉर्ड, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट T से ही पास होने चाहिए. तो T से हम डायमीटर बनाएंगे और जो M से भी पास होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है. तो ये हो गया डायमीटर. ठीक है, तो इसको हम नेम दे देंगे टी यू, ये हो गया डायमीटर. ठीक है, तो डायमीटर हमने बनाया टी यू. ओके, अब हमें बनाना है एक कॉर्ड जो कि टी से पास होगी, तो यहाँ से ही हम एक कॉर्ड पास कर देंगे. ठीक है, इसको हम दे देंगे वी नेम दे देंगे. तो कॉर्ड हो गई हमारी टी वी. ओके, देन बोला है मेजर द लेंथ ऑफ द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. ठीक है, अब डायामीटर कितने सेंटीमीटर का है और कॉर्ड कितने सेंटीमीटर का है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्केल से मेजर करेंगे हमारा डायामीटर कितना है. ठीक है, तो ये मेजर करेंगे डायामीटर, डायामीटर जो वो है 7 सेंटीमीटर का. ओके, सो ये डायामीटर हमारा 7 सेंटीमीटर. एंड कॉर्ड मेजर करेंगे, हमारी कॉर्ड की लेंथ क्या है, तो कॉर्ड की लेंथ हमारी जा रही है 4.5 सेंटीमीटर. ओके, सी 4.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ हम ले लेंगे कॉर्ड 4.5 सेंटीमीटर. अब हमें बोला है कंपेयर द टू लेंथ, यानी कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा है, तो डायमीटर इज ग्रेटर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द कॉर्ड. ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है खत्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.